welcomes you all in online class of other senior secondary school. So, आज हम हमारा जो tenses का topic continue कर रहे हैं, हमारा tenses में जो present tense है वो हम already कर चुके हैं, आज हम कौन सा tense कर रहे हैं, past tense कर रहे हैं, ठीक है? तो जिस बच्चे ने present tense अच्छे से कर लिया है, I think उस बच्चे को past tense करने में 10 minute भी नहीं लगेंगे. ओके सो जिसने पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो पहले प्रीवियस वीडियो देखेगा, उसके बाद ही ये टॉपिक स्टार्ट करेगा. ओके सो आज हम चलते हैं पास्ट टेंस पर. तो पास्ट टेंस जो कि ऐसी चीजें जो कि हमारे ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी हैं, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स किए थे, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस, वैसे ही पास्ट में भी करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है, जहां पर किसी वाक्य के अंत में ए, ई या ए की आवाज आ रही हो, उसे क्या बोलते हैं बेसिकली, वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं बेसिकली, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं. और इसकी जो हमारी रूल्स हैं वो क्या है, यहाँ पर हम सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं पॉजिटिव टेंस में, और नेगेटिव में हम लोग यहाँ पर किसका यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे. अब जैसे कि प्रेजेंट में हमने यहाँ पर नेगेटिव में डू और डज का यूज किया था, यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे. और नेगेटिव है तो हम उसके साथ डिड के साथ क्या लगा देंगे, डिड के साथ हम लोग क्या यूज कर देंगे, नॉट का यूज कर देंगे. ओके सो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. सीमा वेंट टू सिरसा, ठीक है? अब यहाँ पर हम मैं किसका यूज कर रही हूँ, सब्जेक्ट का वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वेंट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, हमारी सेकेंड फॉर्म ही है, ठीक है? तो मतलब कि ये इसके रूल को कंप्लीट कर रही है. अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो मैं कह दूंगी सीमा डिड नॉट वेंट टू. अब मैं डिड नॉट के साथ अगर मान लीजिए क्या यूज कर रही हूँ, किसे यूज कर रही हूँ, डिड नॉट वेंट टू सिरसा. अब यहाँ पर मैंने कंडीशन को फुलफिल किया है. यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इंटेरोगेटिव में डिड को आगे ले आऊं, डिड सीमा वेंट टू सिरसा, क्या सीमा सिरसा गई थी, इसके बीच हम लोग क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है? तो ये थे हमारे पास्ट इंडेफिनिट के रूल. उसके बाद हम लोग चलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस पर. अब हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या किया था, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज किया था, आईएनजी का यूज किया था, प्लस इज एम आर. अब इसमें सिर्फ एक लिटिल सा चेंज है, हम लोग इज एम आर की जगह क्या यूज कर रहे हैं यहां पर, वाज और वर्ब. इज एम आर तो हम लोग प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, और हम लोग पास्ट के लिए यूज करते हैं बेसिकली वाज और वर्ब. सब्जेक्ट बिल्कुल सेम रूल है, यहाँ पर इज एम आर की जगह हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, सिर्फ वाज वर्ब का यूज कर रहे हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके सो ये एक रूल है जिसमें सिर्फ वाज वर्ब के अलावा बिल्कुल एक भी चीज चेंज नहीं है, ठीक है? इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल ही वॉज टेकिंग बाथ, ही वॉज टेकिंग बाथ, वह नहा रही थी, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, अब यहाँ पर देखिए मैं कंडीशंस फुलफिल कर रही हूँ, यहाँ पे वाज और वर्ब से क्या यूज कर रही हूँ, मैं वाज यूज कर रही हूँ. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक, मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का किससे यूज कर रही हूँ मैं, आईएनजी का, यानी कि ये कंडीशन मेरी फुलफिल है. उसके बाद हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तो यूज हम कर ही रहे हैं, ठीक है? सो ये था हमारा सेकेंड फॉर्म पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है प्रेजेंट की तरह, सिर्फ इसमें से लिटिल बिट चीजें हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करेंगे, और वर्ब की चेंज फॉर्म को, वर्ब की फॉर्म भी चेंज एक दो में होंगी, ज्यादा सभी में नहीं होंगी, पहले तो 100% मान लीजिए होएगी ही नहीं. ओके उसके बाद हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट पे. तो पास्ट परफेक्ट टेंस कौन से टेंस होते हैं, वे टेंस जहां पर काम हो चुका, जहां पर चुका था, चुके थे या चुके थी का यूज कर रहे हैं, वहां पर हम लोग इसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट के साथ हैड का, अब प्रेजेंट में हम लोग किसका यूज कर रहे थे, हैज और हैव को यूज कर रहे थे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, हैड का यूज कर रहे हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ. इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. ही हैड मेड अ प्लान, उसने एक प्लान बनाया, वह प्लान बना चुका था. ही हैड मेड अ प्लान, अब मैंने इसका क्या इसमें क्या यूज किया है, हैड का यूज किया है, ठीक है? और इसके बाद मैंने किसी फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की है, थर्ड फॉर्म यूज की है, ठीक है?
आई होप यू क्लियर हो गया होगा कि जहां पर हम लोग सब्जेक्ट के साथ, अब यहां पर हम लोग प्रेजेंट प्रेजेंट में इसमें हमने क्या यूज किया था, हैज और हैव का यूज किया था, लेकिन पास्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे, हैड के साथ वर्ब की सेम थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे. ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पर. अब यहाँ पर हम लोग ने प्रेजेंट में, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पर, प्रेजेंट में हमने यहाँ पर क्या यूज किया था, हैज हैव के साथ इसे यूज करते थे हम लोग, बीइंग का यूज कर रहे थे. लेकिन इसमें भी सिर्फ एक यही चेंज है, हम लोग पास्ट में इसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हैज हैव की जगह सिर्फ एक चेंज होगा, हैड का यूज करेंगे. ठीक है, और वहां पर हम लोग टाइम ड्यूरेशन बताते हैं, यहाँ पर हम लोग ऑटोमेटिक टाइम ड्यूरेशन में पता चल ही जाएगी. ओके, इसका एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. अब यहाँ पर आईएनजी का भी यूज कर रहे हैं, यानी कि इसे मैच कर रही है ये चीज. ठीक है, तो इसका एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. द फायर हैड बीन बर्निंग फॉर आवर एगो, द फायर, आप लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हो इसका, द फायर. अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड के साथ हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर बीन. The fire had been burning. Burning, verb की first form यहाँ पर burning use कर रही हूँ. Verb की first form से ing का use करेंगे तो यहाँ पर मैं इसे use कर रही हूँ, यहाँ पर ing. Had been burning from an hour. एक घंटे से आग वहाँ पर जल रही थी. यानी कि एक घंटे से जल रही थी आग. आज भी जल, अभी भी जल रही है ना वो आग. तो मैंने यहाँ पर जब rules की form को complete किया है. क्या रूल जस्टिफाइड है मैंने यहाँ पर, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करा है, यहाँ पर हैड है. यस, यहाँ पर मैंने हैड का यूज किया है, हैड से बीन का यूज कर रही हूँ मैं, बीन का भी यूज किया. फॉर एग्जांपल द फायर हैड नेगेटिव होता तो हैड नॉट बीन बर्निंग यहाँ पर हमें लगा. ओके, नेगेटिव टेंस है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग किसका यूज करेंगे, यहाँ पर नॉट का यूज कर लेंगे. बर्निंग, अब यहाँ पर मैंने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का भी यूज कर लिया और यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी यूज ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमने कर लिया. ठीक है, तो इन टेंसेस में कुछ भी नहीं है. जैसे प्रेजेंट टेंस थे, प्रेजेंट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज कर रहे थे और हैज हैव का यूज कर रहे थे, वैसे ही इज एम आर की जगह हम लोग यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, वॉज वर्ब का यूज कर रहे हैं पास्ट में, और हैज हैव की जगह हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हैड का यूज कर रहे हैं. और यहाँ पर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज कर रहे थे और नेगेटिव में हम लोग किसका यूज कर रहे थे, डू या डज का यूज कर रहे थे. वैसे ही हम लोग यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ किसका यूज कर रहे हैं, हम लोग डिड का यूज कर रहे हैं. ठीक है, सो बच्चे बिल्कुल इजी रूल है. अब हम आगे फ्यूचर टेंस करेंगे तो फ्यूचर टेंस में भी हमारे यही चेंजेस होंगे. जो हम यहाँ पर वॉज वर्ब का यूज कर रहे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी. सो पहले आप लोगों ने पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस अच्छे से करने हैं, उसके बाद हम फ्यूचर टेंस पर चलेंगे. आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक, बिल्कुल इजी टॉपिक है. अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसे ये चीज़ें कन्फर्म कर सकते हैं. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देते वक्त चेक कर रही हूँ कि मेरी रूल के साथ क्या ये चीज़ कंप्लीट हो रही है. यहाँ रूल में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या मैं यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रही हूँ. तो वैसे ही आपने रूल्स याद करके अकॉर्डिंग टू योर रूल आपने क्या चेंज करना है, अपना सेंटेंस चेक करना है कि मैं यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रही हूँ, आई एन जी यूज कर रही हूँ, हैव के साथ बीन यूज कर रही हूँ, अगर पास्ट परफेक्ट है तो ऐसे ही करना है. ठीक है, सो आई होप सभी को टॉपिक क्लियर हो गया होगा. उसके बाद भी किसी को प्रॉब्लम हो रही हो सो आप मुझसे कभी कंफर्म कर सकते हैं. ओके, हैव अ वेरी गुड डे.